ये देखो भाई एकदम खतरनाक सीन हो गया ये तो। आपके भाई की बाइक खड़ी है यहाँ पे और जस्ट सामने देखोगे तो उधर है श्रीलंका जो अपना उत्तराखंड से है, तो उसके साथ में आई की राइड स्टार्ट करेंगे। देखो कुछ इमारतें तो इस साइड में है, ये पूरी टूटी फूटी पड़ी है, सब है 1964। नहीं मैंने पूछा कि क्या आप इसे पकड़ना चाहेंगे? किसको? सो फाइनली भाई अभी मैं आ चुका हूँ कन्याकुमारी में। और सही भाई, जय श्री राम, हर हर महादेव। नए ब्लॉग और नए दिन नए सफर में आप सभी का स्वागत है। अभी फिलहाल भाई जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं रामेश्वरम पहुँच चुका हूँ और अभी जस्ट बिल्कुल मेरे सामने जो है देखो समुद्र है पूरा, देख रहे हो कितना भयानक सीन है भाई रात में। और अभी जो है रात नहीं, अभी मतलब कि सुबह के अभी ऑलमोस्ट 5:30 के आसपास में हो रहे हैं और अभी नहा धो के रेडी हो गया हूँ। जस्ट यहाँ पे गया था सामने, नहा धो के आया और अभी चल रहे हैं अंदर मंदिर में दर्शन करने के लिए। और मैंने एक ये जो है ये केतली भी ले ली है जिसमें जल लेके जाऊँगा मैं अयोध्या के लिए। तो फिलहाल भाई जिस काम के लिए आया था वो यही है कि मैं यहाँ से अयोध्या के लिए जल लेके जाऊँगा। रामेश्वरम टू अयोध्या अपनी जर्नी होने वाली है अब, क्योंकि आज जो है मोस्ट ऑफ दी कोशिश करूँगा कन्याकुमारी पहुँचने के लिए, तो बुलंदशहर टू कन्याकुमारी की ट्रिप वहाँ ख़त्म हो जाएगी। देन उसके बाद मैं रामेश्वरम टू अयोध्या वो भी जल लेके जाऊँगा मैं यहाँ से। तो फिलहाल अभी चलते हैं मंदिर में अंदर और दर्शन करते हैं भोलेनाथ बाबा के। बोलो हर हर महादेव। ये देखो भाई जल के लिए कितनी लंबी लाइन है, यहाँ से चेक करो, वहाँ से घूम के यहाँ तक आएंगे और भाई 25 रुपये की रसीद कटी है जल लेने के लिए। और ये देखो भाई ये मंदिर का यहाँ कॉरिडोर है पूरा का पूरा, कितना लंबा है, यहाँ से चेक करो और ये चेक करो। सो फाइनली भाई अभी मेरे दर्शन हो गए अंदर मंदिर में से, जस्ट अभी निकल के आया हूँ और जिस पर्पज़ के लिए आया था मैं वो आपको बता देना चाहता हूँ। मैं रामेश्वरम से लेके अयोध्या तक की अब यात्रा करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे जल लेने के लिए आया था, यहाँ पे 22 कुंड हैं जो कि बहुत ज़्यादा पवित्र माने जाते हैं, तो उन 22 कुंडों का इसमें मैंने जल भर लिया है। तो फिलहाल जो मेरा बुलंदशहर से लेके कन्याकुमारी आने का पर्पज़ था वो पर्पज़ यही था कि मेरे को अयोध्या जाना था, वो भी एक पवित्र जल लेने के बाद में। तो इस जल को मैं श्री राम जी के चरणों में जाके वहाँ पे चढ़ाऊँगा और आप लोग मेरा साथ ज़रूर देना। और मेरे को बड़ी खुशी हुई कि आप लोग मतलब इतने दिनों से मेरा साथ दे रहे हो। तो फिलहाल भाई ये देखो मंदिर के यहाँ कुछ आप इस तरह से दर्शन कर सकते हो पूरा का पूरा यहाँ पे, मतलब कि पब्लिक देखो आप कितनी यहाँ पे पब्लिक आती है। तो फिलहाल भाई सुबह ही 3:30 बजे के आसपास में मैं जग गया था, देन उसके बाद में लाइन में लग गए, फिर नहाने के लिए चले गए थे 5:30 बजे के आसपास में, तो काफ़ी अच्छे दर्शन हो गए। अभी फिलहाल निकलते हैं यहाँ से आए के लिए। जय श्री राम, हर हर महादेव। भाई फिलहाल अभी निकलते हैं यहाँ से, 21 किलोमीटर है धनुष कोड़ी करके जो जगह पड़ती है और ये जो पड़ेगा आपका ऑलमोस्ट बस ज़्यादा नहीं 31 मिनट में पहुँच जाऊँगा, बाकी ट्रैफिक वगैरह तो कहीं पे कुछ है भी नहीं। ये रहा राम सेतु जो पॉइंट पड़ेगा ना वो बिल्कुल जस्ट यहाँ पे है, तो यहीं से चलते हैं अपना। चलते बढ़ते हैं अपने सफ़र में आगे की तरफ। और भाई कसम से ये ज्योतिर्लिंग ना बहुत बड़ा है, मतलब ये लगा लो यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर उस साइड में भी है, फिर इस साइड से भी है, मतलब कि इसके 4 गेट है चारों दिशाओं में, तो ऐसे करके घूम के जाना पड़ता है। ये लो भाई दर्शन कर लो, एक गेट ये है साउथ वे, ये देखो यहाँ पब्लिक है ये देखो। और ये जितने भी आप मेरे लेफ्ट हैंड पे देख रहे हो ना ये सब यहाँ पे लाइक एक तरह से यहाँ पे धर्मशाला टाइप ही इनको कुछ मान लो, बाकी इनके जो प्राइस हैं वो है 800 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये और सिंगल पर्सन को बहुत कम लोग ये देते हैं रूम, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है ना कि पिछले कई बार ना यहाँ पे कुछ लोगों ने जैसे सिंगल आके यहाँ पे रहने लगे और उन्होंने जो है फांसी लगा ली, तो इसलिए कहते हैं अकेले आदमी को ये लोग रूम नहीं देते हैं। बाकी अगर आप फैमिली के साथ आओगे तो अब आपको रूम मिलेगा, बाकी अगर अकेले आते हो तो रूम नहीं मिलेगा, क्योंकि पिछली बार जो है 2-3 इंसिडेंट ऐसे हो चुके हैं कि अकेले आदमी आए यहाँ पे और टेंशनबाजी में फांसी लगा के और यहीं पे मर गए, तो ये व्यवस्था यहाँ की है। और एक गेट भाई मंदिर का ही ये रहा है। लो भाई इसके भी दर्शन कर लो, पूरा अंदर से होके आया हूँ भी मैं, एक गेट ये रहा। जस्ट अब यहाँ से निकल जाएंगे आगे की तरफ अपना। जय श्री राम, हर हर महादेव। ये देखो भाई एकदम खतरनाक सीन हो गया ये तो।
इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है भाई, छोटी सी रोड है बस, इसके बाद में यहाँ से एंड है। अभी इस साइड है जाऊंगा जहाँ पे धनुषकोडी है, जहाँ पे राम सेतु बनाया था राम जी ने, तो उस ब्रिज पे जाऊंगा। बहन अभी देखो भाई इसमें देखो मैप पे इधर पानी पानी है भाई। बाइक लेकर मैं कहाँ गया भाई, यहाँ एक माता जी का मंदिर है सामने, तो यहाँ दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद भाई यहाँ विजिट करो, क्या नजारे यार, इधर भी पानी इधर भी पानी, खत्म, हिंदुस्तान का एंड, दी एंड, जियो बेटे। ये मंदिर है यहाँ पे, और हवा है इतनी भयंकर चल रही है कि बस पूछो मत, ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं उड़ जाऊंगा। ओए होए यार उड़ भी गया तो भाई सीधे पानी में बैठ दे जी, हरे महादेव। ये भाई यहाँ माता जी का मंदिर, तो यहाँ के भाई कुछ ऐसे नज़ारे हैं। बाकी फ़िलहाल यहाँ से चलते हैं आगे राम सेतु की तरफ, और यहाँ पे ये मंदिर है, तो इसके बाद में निकलते हैं आगे। अरे जान से ज़्यादा तुम प्यार करते हैं। इस साउथ इंडिया के लौंडे मज़े लेते हुए, ये थार का देखो क्या बना रहे हैं, कबूतर फुल टू फुल एस चल रही है, देख रहे हो सब लुंगी पहन के हैं, लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस, ये ले जाए सब पानी में ले जा, ये देखो, ओ माय गॉड, ओम फो, ये लो भाई अंत हो गया, पहुंच गए कतैया, कहाँ लेके जाऊंगा इस बाइक को। तो भाई फिलहाल आप चेक करो आपका भाई कहाँ पे आ गया, आपके भाई की बाइक खड़ी है यहाँ पे, और जस्ट सामने देखोगे तो उधर है श्रीलंका। अरे यार हे प्रभु कहाँ पहुँचा दिया, हवा भी बहुत तगड़ी चल रही है भाई यहाँ पे, ये बस लास्ट पॉइंट है, इससे आगे कुछ नहीं है। तो भाई फिलहाल अपने सफ़र में आगे की तरफ बढ़ते हुए राम सेतु भी आज आखिरकार अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने देख ही लिया, और अभी श्रीलंका तो क्या जाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि श्रीलंका के लिए तो भाई वही पासपोर्ट पासपोर्ट ये सब कुछ चाहिए, और यहाँ से कोई रास्ता ऐसा कुछ है भी नहीं, खाली वो दूरबीन के थ्रू दिखा देते हैं कि बोला ये देखो सामने श्रीलंका है। बाकी अच्छा लगा भाई यहाँ तक आके, पूरे में समुद्र ही समुद्र है, अब इस साइड भी समुद्र पूरे में, और इस साइड भी अब कुछ है ही नहीं है, मान लो सिंगल रोड चल रही है बिल्कुल एकदम अभी है। देन इसके बाद में अब डायरेक्ट निकलते हैं अपना यहाँ से कन्याकुमारी के लिए, और कन्याकुमारी अभी देखते हैं कितना है नेट पे, इधर नेट नहीं आ रहा, नेट बिल्कुल बंद हो चुका है इस साइड में, तो ऑलमोस्ट मेरे को लगता है 300 किलोमीटर के आसपास में है, तो आज के आज ही मैं इसको कवर कर लूँगा। और वहाँ पे एक भाई अपना उत्तराखंड से है वो मिलेगा वहाँ पे, फिर उसके साथ में अपनी आगे की जो जर्नी है उसको कंटिन्यू करेंगे, वो साइकिल से कर रहा है मैं बाइक से कर रहा हूँ, तो दोनों आगे पीछे चलते रहेंगे, तो दोनों एक साथ रहेंगे तो फिर थोड़ा अच्छा रहेगा। और बाकी तो भाई फिलहाल बढ़िया ही है यार, मौसम मौसम तो देख रहे हो, पब्लिक फुल नज़ारे लेने आ रही है। तो भाई फिलहाल आप लोग यहाँ के नज़ारे चेक कर रहे हो, कितने भयंकर नज़ारे हैं, कसम से कभी नहीं सोचा था कि यहाँ तक भी पहुँच जाऊँगा भाई, बिल्कुल ये लगा लो इसके आगे कुछ नहीं है, बिल्कुल एंड ही है। अब वापस यहाँ से फ़ोटो वगैरह क्लिक करा के, और वैसे यहाँ पर रुकने का कुछ ऐसा खास कुछ है नहीं जिसकी वजह से रुका जाए, बस एक व्यू है तो उसी के लिए आया था। देन इसके बाद अब निकल रहा हूँ मैं यहाँ से डायरेक्ट कन्याकुमारी के लिए, तो ऑलमोस्ट कन्याकुमारी यहाँ से मेरे को पड़ जाएगा 300 किलोमीटर के आसपास में है आई थिंक, अभी नेट थोड़ा इधर नहीं आ रहा, आगे जाके पता चलेगा कि कितने किलोमीटर है। देन उसके बाद मैं सीधा निकल जाऊँगा कन्याकुमारी, और वहाँ पर एक अपना दोस्त है भाई है जो अपना उत्तराखंड से है, तो उसके साथ में आई की राइड स्टार्ट करेंगे, और फिलहाल सोचते हैं आगे जाके कैसे कैसे क्या होता है। सो फिलहाल अभी जहाँ पर मैं घूम रहा हूँ ना, इसको बोलते हैं धनुषकोडी ओल्ड सिटी, ये 1964 के अंदर यहाँ पे ना बहुत तगड़ी बाढ़ आई थी, देन उसके बाद में यहाँ सब कुछ उजड़ गया था, कुछ भी नहीं बचा था। तो अभी फिलहाल आपको पीछे दिखाऊंगा, ये देखो ये इमारतें हैं कुछ जो बिल्कुल उजड़ी पड़ी हैं, और इसके अगर आप बिल्कुल सामने जाओगे तो यहाँ पे समुद्र दिखेगा आपको, और एक कौवा काँ को कर रहा है मेरे आते करने लगा। तो भाई ये व्यवस्था है यहाँ पर, ठीक है, और अभी आगे दिखाता हूँ, यहाँ रेती रेते देखो भाई पूरे में भयंकर, पैर ऐसे जम रहे हैं बुरी तरह से, चल भी नहीं पा रहा मैं इसमें, और धूप लग रही है बहुत भयंकर वाली, बहुत भयंकर धूप है भाई। और क्या दिखा सकता हूँ यहाँ, ये देखो यहाँ ये कुत्ता सो रहा है, ठीक है, और यहाँ ये मछली पकड़ रहे हैं,
ये है मछुआरे। ओ भाई देखो पूरे में यहाँ से मस्त में समुद्र दिखेगा। ठीक है तो यही है बस यहाँ, और कुछ खास नहीं है। बाकी ये दो चार इमारत है टूटी वूटी सी, इनका फोटो वोटो खींच के दिखा देता हूँ आपको। और यहाँ लिखा हुआ है कि ये जगह बहुत मोस्ट डेंजरस है, यहाँ कभी भी बाढ़ और सुनामी आ जाती है। ठीक है ना। बाकी दुकान वकान है देखो ये भी सब बंद पड़ी हुई है। देखो कुछ इमारतें तो इस साइड में है, ये पूरी टूटी फूटी पड़ी है, इन्हें सब है 1964 की। ठीक है। देन इसके बाद में जस्ट थोड़ा सा इधर को आएंगे तो यहाँ पे दिखेगी आपको चर्च। ये भी 1964 की चर्च है जो कि टूट फूट के सब कुछ तहस नहस हो गया मामला, बस ये खंडर बचा हुआ है। देखो ये है वो कुछ इमारत, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है धनुष कोड़ी ओल्ड सिटी 1964 में कुछ इस तरह से दिखता था। यह है ओल्ड पोस्ट ऑफिस है यहाँ पे, ये देखो। उसके बाद में है ऑटोमेटिक वाटर, ठीक है ना। ऑटोमेटिक वाटर के लिए देखो यहाँ पे ये पीने वीने का सब कुछ पानी यहाँ पे है। इसके बाद में देखो फ्लोटिंग स्टोन कुछ यहाँ पे इस तरह से है। उसके बाद में ओल्ड चर्च जो जस्ट मैंने भी आपको दिखाया, ये ओल्ड चर्च थी पहले। बाद में हाउस एंड टेम्पल इधर हो गए, ये पूरे घर थे और मंदिर वगैरह थे इधर, और ये मेडिकल कॉलेज था। अभी फ़िलहाल यहाँ पर सिर्फ यही है और कुछ नहीं है। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग यूट्यूब 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 हाँ यूट्यूब इंस्टाग्राम फेसबुक मोहित राठी व्लॉग्स जी। तो चलते हैं भाई अपना आगे बढ़ते हैं। अभी फिलहाल ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर का सफर बाकी है। रुको एक मिनट, इसमें बोल के बताओ मेरे को, बोलो नहीं। मैंने पूछा कि क्या आप इसे पकड़ना चाहेंगे, किसको? या भाई मेरी समझ में नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रही। मैं रात में ना टूपीडी डाली है। हाँ 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 मैं रात में ना वीडियो डाली है ना इला नहीं है यहाँ। बड़ी मुश्किल से समझा पाया हूँ भाई को, भाई भी मेरे को बड़ी मुश्किल से समझा पाया है। भाई ये कह रहा था कि खाना खा लिया आपने, मैंने कहा हाँ भाई मैंने खाना खा लिया। बोला था कि मेरे घर चलो, मैंने कहा नहीं भाई घर नहीं जाना मैं चल रहा हूँ। तो मुझसे कह रहा था कि वेज खाते हो या नॉन वेज खाते हो, मैं कहा मैं वेज खाना खाता हूँ। बोला मैं क्रिश्चियन हूँ नॉन वेज भी मिलेगा, मैं कहा नहीं नॉन वेज नहीं खाना मेरे को। तो बस ऐसी करके भाई बात चल रही थी आपस में, बड़ी मुश्किल से समझा पाया हूँ और समझ पाया हूँ। चलो भाई कोई नहीं, चलते अपना आगे की तरफ। अभी ऑलमोस्ट यहाँ से 200 किलोमीटर का सफ़र मेरा बाकी रह गया है। मस्त अपना शाम को 6, 6:30, 7 बजे तक के आसपास में पहुँच जाऊँगा, और देखते हैं भाई कुछ आगे को खाने पीने के लिए मिलेगा तो खाऊँगा, कहीं इडली सांभर डोसा कुछ भी मिलेगा, क्योंकि भूख सी लग रही है। अभी फ़िलहाल मेरे को सुबह निकला था तो इडली खा ली थी मैंने, और भाई अभी देखेंगे कहीं अच्छा सा कुछ मिलेगा। यार मैंने जो कल या परसों जो मैंने खाना खाया था ना पराठा, ओ माय कसम, यहाँ पे पराठा नहीं, यहाँ बोलते परौठो, परौठो ऐसे कुछ करके बोलते हैं ये लोग, लेकिन अच्छा था भाई बहुत बढ़िया। अभी ये भाई कह रहा था, बोला आगे पेट्रोल पम्प पड़ेगा उसके पास में कोई होटल है, बोला उधर वेज खाना मिलता है और बाकी इधर पूरे में नॉन वेज खाना मिलता है। तो क्योंकि यहाँ पे आई थिंक सब क्रिश्चियन लोग रहते हैं इस वजह से। चलो खैर कोई नहीं भाई, भाषा समझ आए ना आए, बस इंसान की जो है दिल की जो भावना होती है वो समझ आ जाए, बस वही काफ़ी है। अभी तक का जो सफ़र है तमिलनाडु का वो तो काफ़ी अच्छा जा रहा है, मेरे को कोई भी ऐसा ख़राब आदमी तो फिलहाल अभी तक नहीं मिला, और देखते हैं आगे क्या होता है। क्योंकि काफ़ी लोग ये कहते हैं कि बोला यहाँ पे तमिलनाडु में सब जो भी लोग हिंदी बोलते हैं तो थोड़ा उनको वैसे ही करते हैं, मतलब कि बोला हिंदी नहीं तेलुगू तमिल तमिल, तो वही है भाई अपना अपना हिसाब किताब है। यहाँ के लोगों को कुछ कुछ लोगों को आती है हिंदी, बाकी नहीं आती, बट ये कि समझाओ तो समझ जाते हैं, गूगल ट्रांसलेट के थ्रू बात कर लो, इतना कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, हो जाती है बात आराम से।
बाकी आप अभी देख सकते हो जगह पूरा का पूरा मस्त एकदम ग्रीनरी से घिरा हुआ है, लेकिन ये पूरा ओपन जगह है। पता नहीं यहाँ पे रोड पे जैसे पेड़ होने चाहिए ना, उस टाइप के पेड़ नहीं है कि सीधा खो तो कहीं पे आप सो सकते हो या फिर आराम कर सकते हो। यहाँ पे इस तरह के झाड़ टाइप से हैं, ये देखो पूरे में बिल्कुल जैसे गोवा में होते हैं ना ऐसे। और यहाँ पे मिट्टी देखो आपको लाल कलर की पूरे में मिट्टी मिलेगी, तो अपने यहाँ से तो भाई काफ़ी डिफरेंट है यार, इसलिए तो बोलते हैं साउथ इंडिया। तो भाई अभी एक जगह रुका हूँ, यहाँ पे दिखा तो है मेरे को कुछ बनाता हुआ, अब देखता हूँ क्या बना रहा हूँ। हिंदी तमिल तमिल भैया खाने में क्या क्या है आपके पास में? पुरोठा कितने का? नहीं नहीं वेज वेज नहीं है, नॉन वेज है? नॉन वेज ना। यूट्यूबर? हाँ यूट्यूबर मोहित राठ। तो भाई फिलहाल चलते हैं अपना आई की तरफ, नॉन वेज है, वेज है नहीं और पराठा नहीं, परोठा। अब कहीं आगे की तरफ देखूंगा भाई जहाँ पर वेज मिलेगा, पर यहाँ पे थोड़ा यही दिक्कत हो रही है और नॉन वेज मैं खाता नहीं, और अपने को चाहिए वेज। अब वेज के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो ये भाई ये परोठो। तो भाई फिलहाल अभी एक दुकान और मिली है अपने को, ये को जस्ट मंदिर के सामने है और पेट्रोल पंप बोरा उस भाई ने बताया था ना कि वेज मिलेगा यहाँ पे, देखते हैं भाई क्या मिलता है। पराठा हाँ नहीं। क्या मिलेगा? चाय समोसा कितने का? 5 रुपया 10 का चाय दे दो, एक चाय एक समोसा। चाय तो बढ़िया बनी हुई है भाई, बढ़िया चाय। एक चाय एक समोसा। चलो भाई हल्का फुल्का सा नाश्ता तो हुआ, चलो जब ट्रैवल करते हैं तो ऐसे ही होता है, नाश्ता कभी हो रहा है डिनर कभी हो रहा है। चलो भाई अभी मैंने ना यहाँ पे एक चीज़ देखी है बहुत कॉमन है, ये मटके में पता नहीं क्या रखते हैं, उसको ट्राई करते हैं क्या है ये। ये क्या है? कूल कितने का? 20 रुपीज 1 ग्लास दिखाना कैसे क्या चीज़ है। ओके वेज है ना? वेज हाँ। चलो भाई कुछ अलग ट्राई करते हैं, क्या ताम झाम है ये। यूट्यूब यूट्यूबर कश्मीर टू कन्या को ये भी खाना पड़ेगा साथ में भाई। यहाँ पे ना ये मिर्च रख रखी है भून के, तो इनको मिर्चों को इसके साथ में खाना है। ये कुछ ठंडाई टाइप में है। ये जो अभी मैंने पिया है इसका नाम क्या है? इसका नाम है कम्बू कोज। कम्बुकुल। ओके ओके ठीक बोल देता हूँ। अच्छा था इसका टेस्ट बढ़िया लगा। नहीं अच्छा वेलकम। ऑल हिंदी केदारनाथ बाबा केदारनाथ उत्तराखंड। जैसे हमारे यहाँ पे होता है ना गोंद कतीरा करके होता है, वो ज़्यादातर गर्मियों में पीते हैं, तो लाइक उसी की तरह कुछ ना कुछ था। इस साउथ की इनकी अपनी डिश थी, बढ़िया था जो भी था, लेकिन डिफरेंट है कुछ, वैसे अपने टेस्ट के हिसाब से तो नहीं है, लेकिन भाई यहाँ का लोकल जो फूड है उसके हिसाब से तो बढ़िया ही है जो भी चीज़ है। बाकी कुछ तो पेट में आराम मिला। चलो अब फिलहाल सीधे रुकेंगे कन्याकुमारी या फिर कहीं बीच में एक बार रेस्ट मारूंगा। अभी 185 किलोमीटर रह गया है
ऑलमोस्ट 85 किलोमीटर चला के फिर एक रेस्ट लूंगा, देन सीधा लगा दूंगा कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी में जाते ही सीधे करेगा तुम्हारा भाई कैंपिंग, तंबू गाड़ देगा बेहतरीन करके। ले भाई ले तेरा गिलास, कल कहेगा सोने कहा। इधर उधर हाड़ते फिर रहे हैं ये भाई। गिलास इसने मेरे को जब दे दिया था, बोला कि राठी भैया लो रख लो, बोला तुम्हारे पास नहीं है तो तुम रख लो, मैं घर से दो लेके आया हूँ। और उसके बाद में वीडियो बना के मेरे को कर रहा था, बोला गिलास भी नहीं था उसके पास में, मैंने उसको गिलास दिया, मैंने ये किया। हो भाई इतने लीचड़ आदमी है ना माँ कसम। अभी ये रस्ते में टकरा गए मेरे को, मैंने कहा भैया अपना गिलास ले ले, कभी कल को कहे कि बोला मेरा गिलास सोने का। तो फाइनली भाई अभी मैं आ चुका हूँ कन्याकुमारी में, और यहाँ पे अपने को अपने भाई मिले हैं कंचन सिंह नेगी जी। तो और नेगी साहब ये पकड़िए माइक, कुछ बताइए अपने बारे में, कैसे हो आप? भाई मैं बढ़िया हूँ, और हम अभी साइकिल से ट्रैवल कर रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम दोनों शामिल है। मैंने 15 नवंबर को अपने जो साइकिल यात्रा है वो शुरू की थी केदारनाथ मंदिर से, और अभी तक कन्याकुमारी पहुंच चुका हूं केदारनाथ से। नौवां स्टेट है, और इसमें मैंने 5700 कुछ किलोमीटर कंप्लीट कर लिए हैं। और सौभाग्य के बाद देखो कि पहले हम केदारनाथ में मिले थे मोहित भाई को, उस टाइम पर भी साथ में थे, और अभी दोबारा आके यहाँ मिल चुके हैं कन्याकुमारी में। तो आई होप कि आगे भी थोड़ा चलते रहेंगे और ये ऐसे ही मिलते रहेंगे लाइफ टाइम, एक अच्छा संयोग हम दोनों भाइयों का बना है। बस ऐसी है भाई, जो अच्छे लोग होते हैं ना वो अक्सर ऐसे ही मिल जाया करते हैं। और बाकी भाई की मैं आपको साइकिल दिखाता हूँ, तो ये साइकिल है भाई जिससे ये पूरा का पूरा ट्रैवल कर रहे हैं। भाई देख रहे हो पूरी की पूरी इस पर लोडेड रहता है सामान, जैसे शूज ये रहे, हेलमेट ये रहा, देन उसके बाद में पूरा का पूरा सिस्टम इस पर लगा के चलते हो। तो ऑलमोस्ट तुम्हें कितने रुपये की पड़ेगी? ये साइकिल वैसे 62 की है, KTM की साइकिल है, लेकिन मेरे को अभी 48 की पड़ी थी, डिस्काउंट चल रहा था तो 48 की पड़ी है। अच्छा, तो ये जो मतलब कि KTM कंपनी जो है बाइक जो बनाती है उसी की? KTM उसी की, मतलब साइकिल KTM जो कंपनी बाइक वगैरह बनाती है उसी की मतलब ये साइकिल भी है। आपको मेरी तरफ से। तो भाई जो है अभी यहाँ से जो है डायरेक्ट जाएंगे केदारनाथ बाबा जी के लिए, तो वहीं से जर्नी स्टार्ट की थी और वहीं पे जाके भाई ख़त्म करेंगे। और अभी फ़िलहाल कुछ नज़ारे यहाँ के इस तरह के हैं कि लगा लो कहाँ से लेके कहाँ तक आ चुके हैं। मैंने पूरा लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक का रूट कंप्लीट कर लिया है, और ये देखो इसके बाद आगे कुछ नहीं है भाई, अब है कुछ नहीं, ख़त्म। लेकिन वो श्रीलंका भी अब उधर पड़ गया ना, रामेश्वरम की साइड में पड़ गया, वो उधर पड़ गया, इस साइड तो कुछ नहीं है, इस साइड तो ख़त्म है अब भाई। तो बस ऐसी है भाई, अपना मस्त आ गए यहाँ पे भाई के पास में। अभी फ़िलहाल कुछ खाने पीने के लिए बनाते हैं, देन उसके बाद में देखते हैं क्या बना पाएंगे। अभी बाकी चावल वावल है अपने पास में, और जैसे जैसे होगा करेंगे, क्योंकि प्याज और टमाटर में लेके आ गया था। बाकी फ़िलहाल काटा पिटी करते हैं और बनाते हैं खाना। फ़िलहाल जो है अपने इसमें बने चावल, और ये जो चीज़ है ना ये लाइक यहाँ की कोई डिश है, ये मेरे को उसका नाम तो पता नहीं है, लेकिन ये एक भैया थे वो दे के गए थे, बोले यहाँ पे बाहर की साइड में है, बोला आप खा लेना, क्योंकि वो दुकान बंद करके जा रहे थे, आई थिंक उनकी बच गई होंगी, तो कहते चेक करो एक बार। वो तमिल से थे लेकिन उनको हमने समझाया तो उनको समझ आ गया, बाकी फिर वो दे के गए थे हमको। और कुछ इस तरह से ये भी दे के गए हैं कि स्पेशल कुछ सब्जी टाइप में है ये, और बाकी इसके अंदर अभी बना रहे हैं हम लोग चावल। ये देखो मस्त चावल, ये देखो ठीक है ना, भाई भी इंतजार में बैठे हुए हैं कब चावल बने खाएँ। भाई भी कमज़ोर हो गए, कितने दिन हो गए तुम्हें ऑलमोस्ट निकले हुए? 75 डेज हो गए हैं भाई केदारनाथ से यहाँ तक साइकिल से। भाई कैड़ा सिस्टम है यार। तो भाई का चैनल है अपर हिमालयन करके, तो भाई को जाके ज़रूर सपोर्ट करना ठीक है ना, और भयंकर सपोर्ट करो, क्योंकि जो मेहनत कर रहा है उसका सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। ऐसे लोगों का सपोर्ट मत करो जो खाली रो धो के काम चला देते हैं ठीक है। तो उससे जो बंदे असली कुछ दिखा रहे हैं उस चीज़ को फॉलो करो है। तो बाकी भाई ये देखो कैंप है अपना छोटा सा, इसी में सब कुछ सामान इधर रखा हुआ है। और बाहर भाई हवा चल रही है बहुत भयंकर वाली, ये देखो कितनी तेज़ हवा है, ये देखो ठीक है। अभी जो है बाहर निकलेंगे तो बाहर का आपको देखो। सो फाइनली भाई बिल्कुल अपने इंडिया के लास्ट में कन्याकुमारी में बिल्कुल समुद्र के पास खड़े होकर अभी मस्त अपना खाना बनाया, और अभी खाना खा रहे हैं देखो, मस्त चावल बनाए, और ये वाली अपने पास में सब्जी हो गई थी, और कुछ इस तरह से चावल हैं। तो पर हिमालयन भाई कैसे हैं? भाई बढ़िया है एकदम, खाने में बहुत दिनों बाद, मतलब मैं ना कभी कैंपिंग में खाना बनाता नहीं, घर वाली फीलिंग आ रही है भाई, बहुत दिन हो गए ना, 2 महीने बाद एकदम घर वाली फीलिंग आ रही है, काफी टाइम से बना के खा रहे हैं। तो भाई यही है कि भाई भी ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए भाई को निकले हुए, और मेरे तो चलो ठीक है बाइक है, भाई साइकिल से है भाई कसम से यार, बहुत हार्ड होता है साइकिल से करना,
और भाई को सपोर्ट ज़रूर करना, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ। अपर हिमालयन करके है, इंस्टाग्राम पे भी जाओगे आप, यूट्यूब पे भी जाओगे तो एक बार वीडियो ज़रूर देखना भाई की। और अभी भाई यहीं से साइकिल से दोबारा केदारनाथ वापस जाएंगे। भाई अभी सोते हैं, काफ़ी भयंकर वाली नींद आ रही है। आज ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर के आसपास मैं बाइक चला के आया हूँ और मेरे को पता है कि मेरा पिछवाड़ा किस तरह से शक्तिमान बन चुका है इसका, ठीक है। खुलजा सिम सिम हो गया है मामला, बहुत भयंकर वाला। अभी फिलहाल यहाँ पर रेस्ट करेंगे, कल भी यहाँ पर रेस्ट करूँगा, देन उसके बाद मैं कुछ सोचेंगे कहाँ पर जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। और अभी फिलहाल देखो हवा तो यहाँ पर बहुत भयंकर चल रही है, लेकिन अंदर की साइड में थोड़ी सी गर्मी है। तो भाई हमारे कंचन भाई देखो एकदम मस्त खुले होकर सो रहे हैं। बाकी भाई ये देखो अपना सिलेंडर वगैरह यहाँ पर रख दिया और अपने जूते भी यहाँ पर रख दिए, क्योंकि ऐसा होता है कि जूते वूते अगर बाहर की साइड में रखे तो कोई भी पार करके चला जाता है, तो इस वजह से यहाँ रखेंगे। और फिलहाल ये जाली वाला जो है ये खोल रखा है, और मतलब बाहर वाला खोल रखा है और अंदर वाला लगा दिया, इससे हवा आ रही है यहाँ पे तो बढ़िया रहेगा, कंफर्टेबल। और बाकी फिलहाल देखो मेरा मैट्रेस हेरा, भाई का मैट्रेस हेरा, तो अभी फिलहाल सोते हैं मस्त। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करके जाना। हर हर महादेव।